हेलो दोस्तों, मैं हूं दर्पण सिंह और आज मैं आप लोगों को एक कुछ नया बताने वाला हूं। स्टैंडर्ड 9th का मैथ्स 1 बताने जा रहा हूं मैं आप लोगों को। दोस्तों मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स। तो दोस्तों इसमें हम लोग हर एक एक्सरसाइज और हर एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ते हैं 2.1 एक्सरसाइज नंबर 1 2.1 पर हम लोग कंटिन्यूसली आगे बढ़ने वाले हैं। चलो सो दोस्तों जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.1 है यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है क्लासीफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रेशनल नंबर्स इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप। तो हमें ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग टाइप है या नॉन टर्मिनेटिंग टाइप है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों कैसे मालूम पड़ेगा कि ये टर्मिनेटिंग टाइप है और कैसे मालूम पड़ेगा टर्मिनेटिंग टाइप नहीं है, ये हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों मैं इसके लिए आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ टेक्स्ट बुक के अंदर और बाद में मैं आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूँ। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है। देखिए यहाँ पे कुछ है टर्मिनेटिंग टाइप बोला गया है और यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग टाइप बताया गया है। तो दोस्तों टर्मिनेटिंग टाइप कौन सा क्वेश्चन होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है वो हम देखते हैं। तो दोस्तों टर्मिनेटिंग टाइप की जैसे यहाँ पर बोला गया 2/5, तो यहाँ पे 0.4 यहाँ पर जैसे कि टर्मिनेटिंग टाइप वो होता है कि जिनके जिसकी वैल्यू कोई एंड होता है। अभी 0.4 है इसके, अभी 0.4 के आगे कोई वैल्यू नहीं आ रही, इसमें ही पूरा सॉल्व हो जा रहा है, इसलिए टर्मिनेटिंग टाइप है। और ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, इसमें ये देखिए जो 17/36 दिया हुआ है तो इसके आगे यहाँ पे कैसा बोला गया है। देखिए जब जब ये 36 से 17 को डिवाइड किया गया 0.472 मतलब देखिए ये दिख रहे हो आप लोग दोस्तों कि कंटिन्यूसली चले जा रहा है, मतलब कि इसकी जो वैल्यू इनफाइनाइट है। तो जिसकी वैल्यू इनफाइनाइट आएगी मतलब कि जिसका कोई एंड ही नहीं होगा तो वो होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग टाइप, और जिसकी वैल्यू का एंड होता है वो रहेगा हमारा टर्मिनेटिंग टाइप। फिर से बताता हूँ देखो दोस्तों, और एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। यहाँ पे -7/64 जब इनको हमने सॉल्व किया तो इनका जब हमने डिवाइड किया तो -0.109375 यहाँ पर आके एक एंड पॉइंट हमें मिल गया है दोस्तों। और यहाँ पे सेम वैसे देखिए हमारा 33/26, अब इनका जब हमने सॉल्व करना चालू किया ये देख रहे हो कंटिन्यूसली जा रहा है ये। और देखिए ये जो तीन तीन डॉट दिए इसका मतलब ये मालूम पड़ा कि ये कंटिन्यूसली चल रहा है, इसका कोई एंड नहीं है, और जिसका कोई एंड नहीं होता तो वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग टाइप। तो दोस्तों अब हम लोग आए हैं, हम इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें क्या है और कैसा है इसको सॉल्व करना है।